हार्दिक पांड्या का T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल होना था मुश्किल अगर नहीं होता रोहित शर्मा का हाथ उनके साथ, ऐसा कह गए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल। जी हां दोस्तों, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के इस बयान ने सनसनी मचा दी है कि रोहित शर्मा की वजह से ही हार्दिक पांड्या भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल है। दरअसल पहले कुछ खबरें आ रही थी कि पांड्या शायद T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या टीम में चुने गए और साथ ही उपकप्तान भी बनाए गए हैं। बता दें कि पांड्या को रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाया गया था, जिसके बाद फैंस हार्दिक से काफी नाराज थे। हार्दिक और रोहित को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ और हार्दिक भी टीम में शामिल हुए तो जो भी बातें हो रही थी उनमें कुछ हद तक लगाम भी लग गई। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने हार्दिक के टीम इंडिया में चयन को लेकर अपनी बात रची है। क्लार्क ने अराउंड द विकेट पॉडकास्ट में रोहित और हार्दिक को लेकर बात की है। क्लार्क ने कहा, रोहित की बाहें हार्दिक के इर्द गिर्द होंगी, वह T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। 15 खिलाड़ियों के चयन पर रोहित की ही मुहर है, इसमें दो राय नहीं है। भारत ने एक स्पिन आक्रमण का चयन किया है और टीम में हार्दिक की जगह को रोहित ने मंजूरी दे दी है। अगर रोहित उनके पक्ष में नहीं होते तो पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं होते, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आगे सीधे तौर पर कहा। हालांकि जिस तरह से रोहित को मुंबई इंडियंस ने कप्तानी से हटाया था उसे लेकर कुछ मुद्दे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे रोहित और हार्दिक की दोस्ती या पांड्या के चयन पर असर पड़ा होगा। माइकल क्लार्क ने आगे कहा, हार्दिक जानते हैं कि उन्हें बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। रोहित को तब तक कोई परेशानी नहीं होगी जब तक हार्दिक पांड्या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते रहेंगे। आपको बता दें कि जून में T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। 4 जून को भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप माइकल क्लार्क की बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।